नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्तों की स्थिति क्या रहने वाला है 10 से लेकर 16 तारीख तक के, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कॉमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे, बाद में हम देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ। आपका जिनके साथ रिश्ता था पाइसिस या फिर रिश्ता है था नहीं है, ये बंदा या बंदी रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि पहले ये रिश्ता जो था ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता था, लेकिन अचानक से रिश्ते में किसी और के आ जाने से रिश्ता खराब हो गया है। अभी रिश्ते में बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। साथ ही साथ आप हो सकता है इनको वक्त नहीं दे रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो, आप इनके लाइफ से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कुछ फिनेंशियल लॉसेस की वजह से आप लोगों के रिश्ते में परेशानी आया है, या फिर आप जब से इनके लाइफ से चले गए हो इनके लाइफ में फिनेंशियल लॉसेस होना शुरू हो गया है और इसका कारण कोई और है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपने इतना अच्छा रिश्ता जो था आप दोनों का उसको आपने खराब कर दिया। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है, कोई एक्वेरियस जेमिनाई भी हो सकता है, लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस भी हो सकता है। किसी और की वजह से आप लोगों की रिश्ता खराब हो रहा है ऐसा ये करंटली सोच रहे हैं। अभी हम देखेंगे पाइसिस आपकी खुद की करंट फीलिंग्स। बाप रे बाप, टावर, टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर के कार्ड के साथ। आपको ये लगता है कि अचानक से आप लोगों की लाइफ में ये जो स्थिति आ गया है इसके लिए आप तैयार नहीं थे, आपको पता ही नहीं था कि ये बंदा या बंदी आपके लाइफ से मूव ऑन करेगा या फिर आप लोगों के रिश्ते में ऐसा कुछ आएगा। आप जो हो इनको ऑनलाइन स्टॉक करते हो, आपको रिश्ते की क्लैरिटी चाहिए, आप रात भर सो नहीं पाते हो, आपको लगता है इन्होंने रिश्ते को खराब किया, आपको छोड़ के चले गए, लेकिन आपको अपनी स्टेबिलिटी का भी ध्यान है, आप अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहे हो, आपने सेल्फ लव करना सीख लिया है, सेल्फ कॉन्फिडेंट सेल्फ डिपेंडेंट होना आपको अच्छा लगता है पहले से ही, और आप अपनी पोस्ट की वजह से पोजिशन की वजह से उनके साथ आप उनके जैसे बिहेवियर नहीं कर पा रहे हो,
लेकिन आप इन दिनों उनको ऑनलाइन स्टॉक बहुत ज्यादा करते हो या फिर वो करते हैं आपको? आप लोगों की रिश्ते पूरी तरीके से खराब है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, अचानक से रिश्ते में परेशानी आ गया है थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पर्सन डेफिनेटली है, आप कार्ड देख ही पा रहे हो, थ्री ऑफ सोर्स के कार्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, डेफिनेटली डेफिनेटली थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हो गया है। देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। ये रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये भी सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ हीलिंग में बिलीव करना चाहते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, ये खुद को हील भी करना चाहते हैं, रिश्ते में मेहनत भी करना चाहते हैं, अपने आप को ये स्टेबल बनाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन फिर भी बंदा परेशान है। अपनी स्टेबिलिटी पर इनको ज्यादा फोकस्ड है अभी, रिश्ते से ज्यादा। पैसे आ जाए कहीं से, क्योंकि इनका बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉसेस हुआ है जब से आप इनके लाइफ से चले गए हो। ये अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, इनके साथ धोखा हुआ है, तब से ये खुद को बहुत ज्यादा सख्त बना लिया है। बेकार के लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से खुद को दूर रखने के बारे में सोचना चाहेंगे। ये सोच भी रहा है, परेशान भी है, नींद भी खराब है इसका, इनका। पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज इनको मिल जाए, ये मेहनत कर रहे हैं अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। शायद पहले जब आप थे इनके लाइफ में, आपका पोजीशन अच्छा था, पैसा था, तो इनको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप इनके लाइफ से मूव ऑन करने के बाद से ये परेशान है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। फाइव ऑफ कप्स, आप दुखी हो उनकी वजह से, उनको लगता है उन्होंने आपको छोड़ा है, आपको धोखा दिया है, किसी और की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है, ऐसा आपको लगता है, फिर भी आप रिश्ते को मौका देना चाहते हो। चैरियट, फोर ऑफ कप्स एंड द मून के कार्ड, आप चाहते हो कि ये झूठ ना बोले, फरेब ना करे, आपसे बातें ना छुपाए, और अगर ये उस तरीके से करता है, उस तरीके से चलता है, तो आप रिश्ते को मौका देने के लिए तैयार हो। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी आप डील कर सकते हो। देखेंगे रिश्ते की आउटकम। आप झूठ, फरेब, बातें छुपाना, इन चीजों से अगर ये खुद को बाहर रख सकते हैं, तो आप अभी भी रिश्ते को मौका देना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है इन्होंने आपसे झूठ कहा, इन्होंने आपसे बातें छुपाई, इन्होंने और रिश्ते में इन्वॉल्व हुआ, और इधर ये सोच रहे हैं कि आपने किसी और की वजह से उनको धोखा दिया, रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। आप जानो रिश्ते की आउटकम। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग मिल रहे हो फिजिकली, आप लोग मिल रहे हो और फिजिकल रिलेशन भी आप बना सकते हो। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि इस रिश्ते में थर्ड पर्सन की मौजूदगी है। ये रिश्ता स्टेबल रिश्ता नहीं बन सकता, खास करके इस हफ्ते में। इन एंड आउट वाला रिश्ता है। कमिटमेंट अगर कोई चाहता है इस रिश्ते में, उनको कमिटमेंट नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो पाइसिस, तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट कभी नहीं दे पाएगा। अगर आपके लाइफ में, अगर उनकी लाइफ में कोई और है, और अगर ये आपसे कमिटमेंट चाहता है, तो आप नहीं दे पाओगे अगर आपके लाइफ में कोई और है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। द डेविल, फाइव ऑफ पेंटिकल एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। इस रिश्ते में फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शन, ऑब्सेशन सब कुछ है।
रिश्ता टिका है पैसा और फिजिकल रिलेशन की वजह से। या तो आपके पास बहुत सारा पैसा है या फिर आपके पर्सन के पास। आप पैसों से भी इनको हेल्प करते हो पाइसिस, फिजिकली भी आप अट्रैक्टेड हो इनके प्रति, या फिर ये है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आएगा। कोई एक है जो हमेशा खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं, हमेशा अपने आप को दूसरों से अलग दिखाना चाहते हैं। स्टेबिलिटी की उम्मीद अगर आप कर रहे हो, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा इस रिश्ते में, क्योंकि आप दोनों के दोनों स्टेबिलिटी के बारे में सोचते नहीं हो। एक थोड़ा सा सोच लेता है, दूसरा तो कभी नहीं सोचता है। फिर से आप एक साथ आओगे भाई, फिर से आप लोग दोनों एक साथ आओगे, फिजिकली मीट करोगे आप लोग। फिजिकल मीट मतलब फिजिकल रिलेशन भी करोगे आप। फिर से दोनों दो तरफ चले जाओगे अपने अपने लाइफ में, क्योंकि ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो सकता। कम से कम इस हफ्ते के लिए तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। एडिक्शन आप लोगों के लिए, ये रिश्ता एक एडिक्शन है, ऑब्सेशन है। रिश्ते में आना, रिश्ते को आगे ले जाना, ये वजह, रिश्ते को चलाने की वजह दो वजह है, एक पैसा और एक फिजिकल रिलेशन। कमिटमेंट वाला रिश्ता ये है नहीं, क्योंकि कोई बंदा है जो इन एंड आउट होता रहता है, और किसी एक के लाइफ में तो पहले से ही रिश्ता है, परिवार है, या फिर आप दोनों के हैं, लेकिन ज्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है किसी एक के लाइफ में और कोई है। फिर देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज, इस रिश्ते में क्या कहेंगे और कॉम्प्रोमाइज के अलावा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, बैलेंस नहीं करते हो, तो रिश्ता चलेगा नहीं, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक एक बंदा चाह कर भी नहीं दे पाएगा, बंदा या बंदी जो भी है। जिसके पास पहले से रिश्ता हो, वो आपको क्या क्या सिक्योरिटी दे सकता है? कुछ नहीं। उसमें ये कोई एक है जो हर किसी से बात करना पसंद करते हैं, हंस बोल लेता है, नंबर एक्सचेंज करना, खुद को सेलिब्रिटी जैसा बिहेवियर करना उनको पसंद है। ये किसी एक के साथ जुड़े रहना पसंद नहीं करते हैं। कोई एक है इस रिश्ते में दोनों में से, उनको अच्छा नहीं लगता एक रिश्ते में जुड़े रहना। तो अगर आपको इन जैसे लोगों के साथ रिश्ता रखना है, पाइसिस आप हो या फिर आपके पर्सन है जो भी है, एक तो भाई है अपने मर्जी का मालिक। जब दिल का करा चले आए, जब दिल नहीं, दिल भर गया चले गए, तो अगर आपको इनके पीछे पीछे रहना है, आपका एडिक्शन है ये बंदा, तो भाई आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये एंजल की भी तरफ से गाइडेंस है और मेरे भी तरफ से, क्योंकि परेशान होने से बात नहीं बनेगा। ये बंदा आपको, बंदा या बंदी जो भी है, कमिटमेंट नहीं देगा। अगर आपको इनके साथ रिश्ते में रहना है, सब कुछ जानते हुए, क्योंकि आप सब जानते हो, बहुत मैच्योर लोगों का रिश्ता है ये, कोई बच्चों का खेल नहीं है, मतलब कोई कम एज वाले नहीं है, सारे के सारे मैच्योर लोग हैं, सब जानते हैं। फिर भी अगर आपको इस रिश्ते में रहना है, तो डेफिनेटली कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।